लाखले बाईपास क्षेत्र में इज्तिमा का आयोजन 8-9-10 तारीखों में चल रहा है। इसमें आज इज्तिमाई निकाहार्थ सामूहिक विवाह का आयोजन रखा गया है, जिसमें अलग अलग जिलों से लगभग 100 युवाओं का निकाह है। विशेषकर गूंगे बहरों के लिए एक कैंप लगाया गया है, जिसमें अनुवादक द्वारा समझाने की व्यवस्था की गई है। खाने पीने की व्यवस्था, होटल में प्रति व्यक्ति 30 रुपये भोजन की व्यवस्था, वहीं कुछ होटलों पर खाना फ्री भी वितरित किया गया। शाम में चाय के होटल भी खुले थे। आज जैसा कि 2.5 से 3 लाख लोग इज्तिमा गाह पर मौजूद थे, कल अंतिम दिन 10 दिसंबर को लाखों की संख्या में लोगों के दुआ में सम्मिलित होने की उम्मीद है। इज्तिमा में रामपुर, संभल, बरेली, अल्मोड़ा, नैनीताल, स्वार, टांडा, ठाकुरद्वारा, शाहजहांपुर, पीलीभीत आदि जिलों से लोगों को दुआ में शामिल होने की संभावना। सर क्या नाम है? मोहम्मद मंसूर साहब। इज्तिमा कितने दिन का, कौन कौन से तारीख में हो रहा है? 8, 9, 10। 10 तारीख का दुआ किस टाइम में? 10:30 बजे का टाइम है, जैसे ही वक्त के हिसाब से। कौन कौन से उलेमा बाहर से आए हुए हैं? उलेमा के नाम तो हम नहीं जानते, लेकिन सब निजामुद्दीन से आए। निजामुद्दीन से आए। तो लगभग आज तक यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं इस वक्त? इस तमाम में इतनी बड़े लोगों की गिनती के अंदाजा नहीं हो सकती, मतलब 1-2 लाख। हाँ, लगभग इतने तो होंगे, 1-2 लाख लोग होंगे आसपास। जैसे कि देखा गया है कि बहुत सी जगह खिदमत हो रही है और हम पैसे नहीं ले रहे खाना खिलाने के, लेकिन कुछ जगह जो है वो चाय बेची जा रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये मशवरे से तय होता है पैसों के लिए कि भीड़ फ्री में अगर बांटेंगे तो भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मुख्तसर पैसे जोड़ दिए जाते हैं। कि चाय जैसे बाज़ार में 10 रुपये बिक रही है, यहाँ सिर्फ लागत के पैसे लिए जाते हैं, प्रॉफिट कोई नहीं, अल्लाह के लिए फीस अभी ले लें। और कहीं कहीं ऐसा कि जो जैसे अल्लाह ने दिया है वो सद है, तो वो अपनी तरफ से बिल्कुल फ्री करते हैं। हजरत क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम अली वारसी है साहब। बताइए अब तक इस्तेमाल में कितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं? कोई तादाद नहीं है, लोग हर चीज़ जो है सब कुछ फ्री मिलती है, लोग अल्लाह की राह में सब फ्री दे रहे हैं, मगर यहाँ 5 रुपये की चाय मिल रही है। खाने वालों को कितने लोग यहाँ आ चुके हैं इस्तेमाल में? काफ़ी लोग हैं, कोई आइडिया नहीं है। 1-2 लाख, 3 लाख, कितने? 4-5 लाख रुपये आ चुके हैं, तो आ चुके हैं 4-5 लाख। 4-5 लाख लोग मौजूद हैं। जी जी। अच्छा, दुआ किस टाइम होगी यहाँ पर, कोई मालूम है? 12 बजे के आसपास। 12 बजे के आसपास, 11 बजे। अच्छा हजरत, यहाँ पर कुछ निगाह वगैरह का भी इंतजाम है? कितने जिलों के लोग आए हुए हैं? लगभग 18 जिलों के लोग आए हुए हैं। सर ये इज्तिमा जो कल दुआ होनी है, कल यहाँ 11 बजे 10 तारीख को, लगभग जैसे मालूम चला है कि लाखों लोग दुआ में मौजूद होंगे, तो क्या इंतज़ाम है आप लोगों के? प्रशासन की तरफ से पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, पर्याप्त संख्या में इसको तैनात किए गए हैं। यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सभी जो आसपास की सड़कें हैं सब पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, और इज्तिमा के आयोजकगण द्वारा भी पालन के तैयार किए रखे गए हैं। इसकी वजह से लोगों को आवागमन में किसी तरह से कोई दुविधा नहीं है, हर चीज़ का स्थान सुनिश्चित किया गया है, पार्किंग का, मोटरसाइकिल का स्थान, बस खड़ा करने का स्थान, मोटरसाइकिल से आने का रास्ता अलग है, गाड़ी से आने फोर व्हीलर्स का आवागमन का रास्ता अलग है, मोटरसाइकिल से आवागमन का रास्ता अलग है। किस तरह से इंतजाम किए गए हैं कि कहीं भी कोई भीड़ न हो और कहीं भी ओवर क्राउडेड और रास्ता जाम की समस्या उत्पन्न न हो। कल दुआ का कार्यक्रम है, दुआ में लगभग 1.5 लाख लोगों की उपस्थित होने की उम्मीद है। दुआ के बाद एक कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा और लगभग उम्मीद है कि 11:30 बजे यहाँ से भीड़ अपने अपने घरों के लिए 100% भीड़ चली जाएगी। हम पहुँच चुके हैं मुरादाबाद के ग्राउंड में, जहाँ पर हम दोपहर से हमारी टीम मौजूद है। हमने लोगों से मालूमात की, उन्होंने बताया कि 3 लाख से लोग ऊपर अब तक आ चुके हैं। हमने एक दिन अभी बाकी है, यानी कि 10 तारीख की सुबह यहाँ दुआ होनी है। अभी भी यह खाने का इंतजाम भी मौजूद है, जो खिलाया जा रहा है, और यहाँ इज्तिमा के अंदर काफ़ी लोग मौजूद हैं। असर की नमाज के बाद यहाँ पर निगाह का इंतजाम किया गया, लगभग 80 से 100 के बीच में निगाह बताए जा रहे हैं, जो कि मौजूद है पब्लिक टीवी के लिए कदम पर ही।